Hello, my dear students. Hope you all are fine and doing well at your homes. Well, today's topic is self-confidence. मैं आपको ऐसे तो नहीं बताऊंगी कि self-confidence क्या होता है. Let's go through this topic and you will yourself come to know about the self-confidence. Okay, let's start. Once there was a great scholar in Russia and his name was Tolstoy. टोलेस्ट्री था उस किंग उस जो एक स्कॉलर था हिज नेम वॉज टोलेस्ट्री. ही वॉज वेल बिल्ट पर्सन. ही वॉज वेरी रिच, वेरी हेल्दी एंड वेल्दी पर्सन. एंड वन डे व्हाट हैपेंड, एक आदमी आया जो बहुत ही गरीब था. ही वॉज वेरी पुअर. ही वॉज हेल्दी, ही वॉज लुकिंग गुड, बट ही वॉज वेरी पुअर. वो किसके पास आया? वो आया टोलेस्ट्री के पास. एंड ही वॉज आस्किंग फॉर सम मनी बिकॉज ही वॉज वेरी पुअर. ही वॉज इन ए ग्रेट नीड ऑफ मनी. बट टोलेस्ट्री डिड नॉट गिव हिम एनीथिंग. ही रिफ्यूज्ड हिम टू गिव हिम एनीथिंग एंड दिस पर्सन वेंट बैक एंड ही वॉज सो मच डिसअपॉइंटेड. आफ्टर दैट नेक्स्ट डे आफ्टर कपल ऑफ डेज जो ये बंदा था ये फिर से गया किसके पास. दिस पोअर मैन वेंट टू द टोलेस्ट्री. नेक्स्ट डे जब ये इसके पास गया तो इसने फिर से इसको पैसे देने से मना किया. और यही चीज़ तीसरी बार हुई. एंड व्हेन थर्ड टाइम दिस पर्सन केम ये बहुत रो रहा था और टोलेस्ट्री को बताया कि प्लीज़ आई एम वेरी मच पुअर और उसके सामने हाथ जोड़े एंड टोल्ड हिम दैट आई एम वेरी मच पुअर, प्लीज़ गिव मी सम मनी. एंड एट दिस टाइम टोलेस्ट्री टोल्ड हिम दैट यू आर नॉट ए पुअर मैन. जब इस पुअर मैन ने टोलेस्ट्री के सामने अपने हाथ जोड़े तो टोलेस्ट्री ने कहा आप बिल्कुल भी पुअर नहीं हो. यू हैव टू हैंड्स. आप एक काम करो, मैं तो आपकी हेल्प नहीं कर सकता बट आई हैव अ फ्रेंड हु इज़ वेरी गुड इन हिज बिजनेस. उसका बिजनेस बहुत अच्छा है. ही हैज़ अ बिजनेस ऑफ गिविंग एंड किसी की वो मतलब वो हर किसी की हेल्प करते हैं. लाइक आप जैसे हम इम्पोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस करते हैं सेम बिजनेस वो भी करते थे. तो उनको क्या था, हम उनको यहाँ से कोई चीज़ देंगे तो वहाँ से वो हमारी हेल्प करते थे. तो यहाँ से भी उनको चीज़ देते हैं वो वहाँ से हमारी हेल्प करते हैं. बट दिस पुअर मैन टोल्ड हिम दैट आई डोंट हैव एनीथिंग टू गिव हिम. मेरे पास तो कुछ भी नहीं है तो मैं कैसे उनसे हेल्प ले सकता हूँ. एंड एट दिस पॉइंट टोलेस्ट्री टोल्ड हिम दैट माई डियर यू आर अ वेल बिल्ड पर्सन, यू हैव वेरी गुड हैंड्स. आप एक काम करो, आप अपना एक हाथ काट के उस बंदे को दे दो तो मैं आपको एक लेटर उस पर लिख के देता हूँ, वो आपकी हेल्प करेगा एंड ही विल गिव यू ए गुड अमाउंट ऑफ मनी. एट दिस पॉइंट दिस पुअर मैन वाज सरप्राइज्ड. ही वाज वेरी मच सरप्राइज्ड. ये बेचारा परेशान हो गया कि ये मुझे क्या कह रहा है कि मैं अपना हाथ काट के दूँ. तो इस पुअर मैन ने मना किया. ही टोल्ड हिम दैट आई कैन नॉट गिव हिम माई बॉडी पार्ट, ऐसा हो ही नहीं सकता. फिर बोला चलो ठीक है, अगर आप उसको अपनी एक आई देते हो, यू हैव टू आईज, आप एक आंख से भी अपना काम चला सकते हो. अगर आप उसको एक आई दोगे ही विल गिव यू लैक्स ऑफ मनी, तो आपको ज़्यादा पैसे मिलेंगे. अब ही परेशान हो गया कि ये मुझसे कैसी बातें हो रही है. आफ्टर दैट ये कहा अगर आप लेग अपनी एक दोगे तो आपको और भी पैसे मिल जाएंगे एंड यू विल बिकम रिच विद इन अ कपल ऑफ डेज. कुछ ही दिनों में आप इतने अमीर हो जाओगे कि आप सब कुछ खरीद सकते हो, तो आप उसे ये सब दे दो. एंड एट दिस पॉइंट ही वॉज वेरी मच डिसहार्टन्ड एंड वेरी मच डिसअपॉइंटेड. वो बेचारा परेशान हो गया. दिस पुअर मैन ही वॉज वेरी मच सैड. ये सोच रहा है कि ये क्या मैं मतलब अपनी बॉडी का एक एक पार्ट कैसे दे सकता हूँ पैसों के लिए. नो डाउट आई एम पुअर बट मैं ऐसा नहीं कर सकता. एंड एट द लास्ट पॉइंट टोलेस्ट्री टोल्ड हिम दैट अगर आपको लगता है कि आप अपनी बॉडी का कोई पार्ट नहीं दे सकते तो आप ये कैसे सोच सकते हो कि आप वेल बिल्ट पर्सन हो. क्या आपको ये नहीं लगता कि आपको तो ये आप ये सोच रहे हो कि मैं अपनी आंखें नहीं दे सकता बिकॉज मैं अच्छे से देख सकता हूँ, मैं अपने हाथ पैर नहीं दे सकता बिकॉज मैं अच्छे से अपने हाथ पांव से काम कर सकता हूँ. तो आपको नहीं लगता कि आप अपने इन्हीं बॉडी पार्ट्स का यूज करके काम कर सकते हो. एंड एट दिस वेरी पॉइंट दिस पुअर मैन उसका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस था, जो आत्मविश्वास था, वो जाग गया. एंड The Stolestry told him that work hard with dedication and soon you will be a very rich man. And this advice of Stolestry opened his eyes. Usko laga ki nahi, sach mein
मैं अपनी मदद खुद कर सकता हूँ, मेरे पास तो मेरे हाथ पैर है, तो मैं भगखंड क्यों नहीं कर सकता। और ये सोच के, ये सुनकर ही उस पोअर मैन की आंखें खुल गई और उसने वहीं पे डिसाइड किया कि आज के बाद वो कभी भीख नहीं मांगेगा। बट वो सिर्फ क्या करेगा, वो बहुत ही मेहनत करेगा अपने हाथ से, अपने पैरों से, चाहे उसको मजदूरी करनी पड़े, बट ही विल वर्क हार्ड। ओके, नाउ दिस इज ऑल अबाउट दिस स्टोरी। तो ये हमें सेल्फ कॉन्फिडेंस से ही पता चलता है कि समटाइम्स वी हैव सो मैनी क्वालिटीज बट वी कैन नॉट एक्सप्रेस देम, क्योंकि हमारे पास सेल्फ कॉन्फिडेंस की बहुत कमी होती है। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं, बहुत फेमस पर्सनैलिटीज ऐसी है जो सेल्फ कॉन्फिडेंस की वजह से ही बहुत ज़्यादा फेमस हो गए, कि उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस कितना रेज हुआ, कहाँ से कहाँ पहुँचे। सो माई डियर स्टूडेंट्स, इफ़ वी वर्क हार्ड एंड डेवलप ए गुड सेल्फ कॉन्फिडेंस, अपने अंदर आत्मविश्वास जगाएंगे कि हाँ जी, हम ये काम कर सकते हैं, मेरा एग्जाम है, मैं अच्छे मार्क्स ला सकता हूँ। जब हम ये आत्मविश्वास, अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस जागेंगे, अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस को इम्प्रूव करेंगे, देर इज़ नो वन हु कैन स्टॉप अस एक सक्सेसफुल लाइफ के लिए। हमें कोई भी रोक नहीं सकता, क्योंकि हमारा आत्मविश्वास, हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। देर इज़ अनदर लिटल स्टोरी इन दिस चैप्टर। देर वॉज अ किंग। तो वो जो किंग था, किंग तो पता ही है, मतलब बादशाह किंग होता है, ही वॉज वेरी हेल्दी वेल्दी पर्सन वन। बट उसको एक प्रॉब्लम थी, खुद तो वो बहुत रिच था, बट उसको ये प्रॉब्लम थी कि दूसरों को देख के उसको लगता था कि उसके पास मेरे से ज़्यादा वेल्थ नहीं होना चाहिए, और इसी टेंशन में वो बीमार पड़ जाता था। एंड आफ्टर एक बार क्या, वो बहुत ज़्यादा बीमार हो गया, सब लोग बहुत परेशान हो गए, उसकी वाइफ भी बहुत परेशान है, डॉक्टर्स वगैरह सब आए उसको देखने, बट किसी को ये पता ही नहीं चलता था कि इसको क्या प्रॉब्लम है। तो एक बार एक डॉक्टर आया, उसने उसकी एक काइंड ऑफ काउंसलिंग की, एंड ही दिस डॉक्टर डायग्नोज्ड दैट व्हाट प्रॉब्लम ही हैज़। ही टोल्ड हिज वाइफ दैट देयर इज़ नो बिग प्रॉब्लम, the only problem with him is that he is unhappy, and the solution for his problem is that you have to get a shirt for a happy person. koi aisa banda dekho jo hamesha khush rehta hai, uski shirt aap lao, wo isko pehnani hai to he will be happy. to sab log jo unke darbari hote hain, jo unke courtiers hote hain, sab log nikle aisa banda do, lekin kahin nahi mil raha tha. and आफ्टर फ्यू डेज उन्होंने देखा गार्डन में एक बंदा है जो बहुत ही हंस रहा था. तो एक कर्टियर वहाँ पे गया, एंड ही टोल्ड हिम दैट आप क्या हमेशा ऐसे ही हंसते रहते हो. एंड ही टोल्ड हिम येस आई एम वेरी हैप्पी पर्सन. बोला तो इस बंदे ने बोला कि क्या हमारा किंग बहुत बीमार है, तो उसकी खुशी के लिए हम ताकि उसकी जो हेल्थ है वो ठीक हो जाए, वी नीड योर शर्ट, तो प्लीज़ क्या आप हमें कुछ दिनों के लिए अपनी शर्ट दे सकते हो. बट दिस पर्सन told him that I cannot give you my shirt because I have only one cloth to wear. agar main aapko dunga to main khud kya pehnunga. to jo ek courtier tha, he was very much disappointed and went to the king, aur king se kaha ki aisi baat thi. at this time jo king hai, he said that wo soch mein pad gaya, bola ye banda itna khush rehta hai, itna khush hone ke bawajood ye matlab hamesha hansta rehta hai, ये बंदा तो हमेशा हंसता रहता है, इतना पोअर होने के बावजूद भी, कि इसके पास एक ही क्लॉथ है, बट स्टिल ही इज़ वेरी मच हैप्पी, और मेरे पास तो सब कुछ है, और मैं सिर्फ इस बात से परेशान हूँ कि मैं मतलब मेरे किसी को मुझसे ज़्यादा पैसा नहीं मिलना चाहिए. एंड एट दिस पॉइंट उसको ये रियलाइज़ हो गया कि नहीं, मुझे खुश रहना चाहिए. इसी तरह माई डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास जितना कुछ भी है, वी शुड ऑलवेज ट्राई टू बी हैप्पी. थैंक यू.